तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक वेक्टर का सवाल है और ये एक आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। देखो एक प्लेन है, उस प्लेन में अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए तो ए और बी के दोनों परपेंडिकुलर हो, समझ रहे। तो वो वेक्टर इस स्क्रीन के प्लेन के अंदर या बाहर, कंप्यूटर के अंदर या बाहर जो भी देख रहे हो वो होगा। तो इसको मैं अगर 3D व्यू तुमको बना के दिखाऊं ऐसे, तो ये एक प्लेन है और इस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी अगर ये दोनों वेक्टर हैं, अगर ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा डिग्री है, ये वाली एंगल थीटा डिग्री है ये, तो अगर तुम देखोगे ए और बीच के बीच एंगल थीटा है, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो अगर इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो, मतलब ए क्रॉस बी की अगर वैल्यू देखोगे तो ए क्रॉस बी ए आ जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता भाई, ए क्रॉस बी करोगे तो एन कैप ऊपर एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ए और बी के, ठीक है, क्योंकि ए और बी इस प्लेन में है यार, इस प्लेन में है, तो इन दोनों के तो परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो यही तो पूछ रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर एन कैप ही तो है। तो एन क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज ए बी साइन थीटा इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी एन बी। तो ए क्रॉस बी यहाँ से देखो तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है।